सर क्या कहेंगे आज? देखिए, जब इलेक्शन होती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग पहले की जाती है और उनसे राय ली जाती है, लेकिन यहाँ सारे के सारे फैसले जो हैं वो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर थोपे जाते हैं। पहले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से राय ली जाती है, उनसे मशवरा किया जाता है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिसीजंस थोप दिए जाते हैं, और जो भी उसके बावजूद भी हम लोग जो हैं इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो भी सुझाव देते हैं उनके ऊपर आज तक कभी भी अमल नहीं हुआ है। एक मौकरी बनाई हुई है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, अपोजिशन का खास तौर पर इन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, और हमारी सिक्योरिटीज जो है वो विड्रॉ कर ली गई हैं। इलेक्शन से पहले हमारे पास जो सिक्योरिटी थी वो भी विड्रॉ कर ली है। हिजबुल मुजाहिदीन का थ्रेट हम लोगों को आया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन हमें थ्रेटनिंग कर रहे हैं कि आपको जान से मार दिया जाएगा, रोजाना टेलीफोन करते हैं, धमकाते हैं, पब्लिकली धमका रहे हमारे पार्टी के लोगों को, हमारे पार्टी के लीडर्स को, और उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे वर्कर्स को 10-10 PSO इन्होंने दिए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो फिफ्थ बना के रखा है यहां, इसको हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमने इलेक्शन कमीशन से साफ कन्वे किया है कि अगर आपको इलेक्शन करवानी है तो फेयर एंड फ्री होनी चाहिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के अगर कहने के ऊपर आपने चलना है और उनके दबाव में आपने बात करनी है तो ये सरासर गलत होगा। इसको पैंथर्स पार्टी कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है, और जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, आज फॉर्म कहीं नहीं मिल रहा है भरने वाला, कल लास्ट डेट है, एफिडेविट की कॉपी नहीं मिल रही है, मैंडेट फॉर्म्स तक इनके पास नहीं है, और कल इन्होंने लास्ट डेट रखी हुई है। एक मजाक बना रखा है इन्होंने इलेक्शंस का, इसलिए पैंथर्स पार्टी ने आज उस मीटिंग से वॉकआउट किया है और अपने प्रोटेस्ट का इजहार किया है। आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसे मैंने कहा, एक बराबर का मौका सब पॉलिटिकल पार्टीज को देना होगा, और जिस तरीके से आप बीजेपी के इशारों के ऊपर नाचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कुछ लोग, ये सरासर गलत है। ये इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निशन जल्द से जल्द लेना होगा, वरना बेमायने होगा ये सारा प्रोसेस। इलेक्शन के साथ किसी भी किस्म का मजाक एक्सेप्ट करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए पैंथर्स पार्टी हरगिज तैयार नहीं है, इसलिए हमने आज विरोध किया है और प्रोटेस्ट किया है वहाँ अपना लॉन्च।